भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी और साथ ही निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और भारतीय टीम को 160 का टारगेट दिया। बता दें कि भारतीय गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और साथ ही मुकेश कुमार का एक योगदान रहा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 160 के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। दरअसल इस मैच में टीम के लिए डेब्यू किया यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और पहले ही ओवर में विकेट दे बैठे। दरअसल शुभमन गिल के साथ साझेदारी करने उतरे यशस्वी जायसवाल दो गेंदों का ही सामना कर पाए और पहले ही मैच में एक रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इस दौरान ओबी मोकोए ने पहला ओवर डाला और अल्जारी जोसेफ ने उनका कैच लपका। यशस्वी जायसवाल ने हवा में शॉट खेला और इस दौरान अल्जारी जोसेफ उस गेंद के नीचे आए और कैच लपक कर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन वापस भेज दिया। उनका डेब्यू मैच था, टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे और इसी दौरान उनके पहले ही मैच में केवल एक ही रन बना पाए, यानी कि पहला मैच और सिर्फ एक रन। यशस्वी जायसवाल जैसे ही पवेलियन वापस लौटे उनके चेहरे पर निराशा साफ देखी गई। हालांकि शुभमन गिल भी कुछ ज्यादा कुछ छाप नहीं छोड़ पाए और पांचवें ओवर में 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए। बहरहाल भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल का ये डेब्यू काफी खराब रहा, जिसकी उम्मीद उनसे जताई जा रही थी उस काम को वो नहीं कर पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बने इंडिया के साथ। नमस्कार।